टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, इवेस चौराहा, मेरठ। 9 महीने पहले हुई बीएससी के छात्र की हत्या का राज खोलते हुए परिजनों ने मेरठ पुलिस पर अजीबोगरीब इल्जाम लगाए हैं। परिवार के मुताबिक उनके बेटे वत्सल त्यागी की हत्या को पुलिस ने सांठगांठ कर सुसाइड में तब्दील कर दिया। वहीं जांच के नाम पर पुलिस उनको 9 महीने से गुमराह कर रही है। दरअसल 17 जनवरी 2022 को हुए दर्दनाक मर्डर में 3 आरोपियों के नामजद हैं, जिनमें से पुलिस अभी तक एक की भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, पुलिस ने हत्या को आत्महत्या करार दिया। मृतक वत्सल के वालिदैन के मुताबिक उनके बेटे को आपसी रंजिश के चलते गोल्डी सोरावर अमित ने मौत के घाट उतारा है। कार्रवाई के लिए परिजन एसएसपी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। सुनिए पीड़ित के पिता प्रदीप त्यागी इस मामले पर क्या बोले। क्या नाम है आपका, किस मामले को लेकर के आप एसएसपी दफ्तर पहुंचे हैं? मेरा नाम प्रदीप त्यागी है जी। मेरे लड़के की हत्या हुई थी 17/4/2022 को और 3 नाम दर्ज हैं। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी उसमें, आज तक ना वे जेल भेजे ना कोई हुआ, हमें भकायो गई अब तक नहीं। बाकी उसमें अब आके FIR लगा दी, 9 महीने बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दी, एक मर्डर को आत्महत्या दिखा दिया। कहाँ घटना हुई थी, किस समय घटना हुई थी और कैसे घटना हुई? घटना गांव महादेव की है और रात 9 बजे की है। कैसे हुई थी घटना, क्या प्रक्रिया सामने आई थी, क्या प्रकरण? गोली मार के हत्या करी गई थी उसकी, उसकी छाती में सीने में गोली मारी गई थी 315 की। और उसका क्या कहना है? पुलिस का कहना तो कुछ भी नहीं रहा, हमें तो नहीं भकाई होगी, एक जाँच चल रही है, जाँच चल रही है, अब रिजल्ट यो मिला बाद में आ गया, जाँच खत्म करके फाइनल रिपोर्ट लगा दी पुलिस ने। गोली मारने वाले कौन लोग थे? गोली मारने वाले वही 3 लोग हैं जिनके नाम हमने 3 की रिपोर्ट कर रखी है। क्या नाम है उनके? एक का गोल्डी, सौरभ और अमित। कहाँ के रहने वाले? वे महादेव गांव के रहने वाले हैं, त्यागी हैं। हमारी पुरानी रंजिश थी उनके बाप के मर्डर के, उसमें मेरा झूठा नाम लिखवाया था उन्होंने, मैं 4 साल जेल काट के आया था, अदालत से बरी होकर आया था मैं। अब उन्होंने यो दुश्मनी मेरे लड़के से काट दी, मेरा इकलौता लड़का था, यो BSc का छात्र था, यो फर्स्ट ईयर से कर रहा था BSc की, सुभारती से, सुभारती से। अब क्या मैं मांग लेकर आया? मांग हमारी यो एक्स इसकी, वे मुलजिम जेल जाने चाहिए और दूसरे थाने से जांच होनी चाहिए, अगर यहाँ से भी कोई सुनवाई ना होगी तो हम आगे मुख्यमंत्री ले जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।